हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम फिटर सेकेंड ईयर पार्ट 5 नेमी पैटर्न का क्वेश्चन हल कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? जो ड्रिल होता है उसका जो गेज होता है उसका क्या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, ड्रिल के व्यास की जांच करना, जो उसका जो व्यास होता है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, चिन्हित किए गए यक्ष भाग का नाम क्या है? जो चिन्ह दिखाया गया है, जो फिगर है, फिगर में जो आपको चिन्ह दिखाया गया है, इसमें जो यक्ष है इसका इस भाग का क्या नाम है? तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, लंबाई। जो रोलर दिया है इस कोने से इस कोने तक, जो रोलर दिया है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, चिन्हित किए गए यक्ष का भाग का नाम क्या है? जो चिन्ह में दिखाई दे रहा है, जो आपका गेज है, गेज में जो आपका रोलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस भाग का क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, स्लिप गेज की ऊंचाई। मतलब जो आपकी गेज है, गेज के द्वारा जो मापा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई को मापा जा रहा है स्लिप गेज के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 115, इस गेज का नाम क्या है? जो आपको गेज दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन आपका इसमें आपका डी सही है, सेंटर गेज। इसके द्वारा हम लोग सेंटर किसी चीज जो आपका सेंटर मापते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सेंटर गेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116, इस गेज का नाम क्या है? जो फिगर दिखाई दे रहा है इस फिगर का जो क्या नाम है? तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, स्क्रू पिच गेज। जो स्क्रू पिच गेज होता है इसके द्वारा हम लोग थ्रेड की गहराई या एक इंच में कितने चूड़ियां कटी हैं उसको हम लोग इसके द्वारा मापते हैं। ऑप्शन इसमें आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 117, इस गेज का प्रकार क्या है? जो आप गेज देख रहे हैं यह किस प्रकार का है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, अनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। मतलब अनविल टाइप का यह है, इसमें चूड़ियाँ मतलब थ्रेड कटे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 118, इस गेज का प्रकार क्या है? यह गेज जो है किस प्रकार का है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है ए, डबल एडेड प्लग गेज। मतलब दोनों साइड से इसको हम नाप सकते हैं। इसमें एक दिया है गो, मतलब और एक दिया है इसमें नॉट गो। जो गो होता है वो अंदर चला जाता है, जो आपके अंदर चला जाता है, जो नॉट गो दिया है वह जो आपके अंदर नहीं जाता है। मतलब किसी गोल जो आपको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चेक करने के लिए, किसी गोल जो आपके को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है? जो फिगर है, फिगर में यक्ष जो दिखाई दे रहा है, इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। मतलब कि ये जो है जो आप अंदरूनी जो गोल जो आप होता है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जो आपकी हम क्या करते हैं, अंदरूनी गहराई को हम इसके द्वारा चेक करते हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या है? बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120, यह गेज क्या है? जो ये फिगर दिखाई दे रहा है ये गेज है, और ये गेज में कौन सी गेज है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, टेपर प्लग गेज। इस गेज के द्वारा किसी भी जो आपकी टेपर में माप लेने के लिए या चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसका? टेपर प्लग गेज। ऑप्शन इसमें आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 121, गेज में यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है? जो आपका फिगर दिया है, फिगर में जो यक्ष का भाग है यह क्या चिन्हित है? इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, थ्रेड रिंग गेज नो गो। मतलब जो आपका चूड़ीदार जो होते हैं जो आप उसको चेक करने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और यह क्या आता है, गो है, एक साइड में चला जाता है और एक साइड में जो आप नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122, इस गेज का नाम क्या है? जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में, तो इस फिगर का क्या नाम है? तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, थ्रेड प्लग गेज। मतलब इस गेज के द्वारा हम लोग
चूड़ियां, अंदरूनी चूड़ियों को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उष्मोपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, ब्राइन सॉल्यूशन। जो शीतलन होता है, जो ठंडा करने की दर होती है, उष्मोपचार हम जो करते हैं तो उसमें अपने धातु को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो उसमें हम तेजी से ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो है हार्डनेस बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन इसमें आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 124। यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है? जो यक्ष है इसके द्वारा हम लोग क्या चिन्हित किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, फेराइट। फेराइट इसमें आपका सही है, जो आपका बीच का जो भाग है वह यक्ष जो है वह क्या है, फेराइट है। क्वेश्चन नंबर 125। एल्बो और बेड्स का कोड क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। जो एल्बो होता है उसका 90 डिग्री होता है और जो बेड्स होता है उसका 45 डिग्री का कोण बना होता है। क्वेश्चन नंबर 126। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूस का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है? ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, स्क्वायर हेड स्क्रू। मतलब स्क्रू जो होता है उसका हेड जो स्क्वायर में बना होता है ताकि उसको हम बार बार खोल सकें और टाइट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 127। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, स्क्वायर नट। मतलब जो स्क्वायर नट होता है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है कोच निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 128। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, कैसल नट। जो कैसल नट होता है उसका शीर्ष का भाग बेलनाकार और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार में बना होता है। क्वेश्चन नंबर 129। हैवी ड्यूटी असेंबलिंग कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागन हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है ताकि अच्छी तरह से वह उसकी पकड़ हो। क्वेश्चन नंबर 130। लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, चीज हेड स्क्रू। चीज हेड स्क्रू जो होता है वो लाइट असेंबली में मशीन स्क्रू का अच्छी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी सही है, डेड नॉट फाइल। जो डेड नॉट फाइल होती है उसमें नरम और गैर धातु मटेरियल का पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते कटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, सिस पैटर्न फाइल। जो सिस पैटर्न फाइल होती है वह क्या करती है, परिष्करण उपकरण के जो ऊपर के जो फाइल होता है उसको स्मूथ मतलब अच्छी तरह से फिनिशिंग यह करता है। क्वेश्चन नंबर 133। फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, 0.02 mm टू 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 134। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? 25 डिग्री बराबर 0.4226। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, 42.26। जो यहाँ से यहाँ जो दूरी है उसकी क्या है, वह 42.26 है, इसलिए ऑप्शन इसमें आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 135। कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो आपका उपकरण दिख रहा है, ये जो कार्यखंड है इसके जो बाहरी व्यास है इसको मापने के लिए कौन सा उपकरण
उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी के साथ इसको हम मापते हैं या चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, ग्रेड 00 होता है अंशांकन ग्रेड का कैलिब्रेशन होता है ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 138, स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है? तो ऑप्शन में आपका दिया है ए, रिंगिंग, मतलब एक दूसरे को आपस में रगड़ करके इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, इस गेज का उपयोग क्या है? जो आपको गेज दिखाई दे रहा है, इस गेज का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही है, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, मतलब जो इसमें जो चूड़ियां कटी है उसको नापने के लिए, चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है। क्वेश्चन नंबर 140, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? जो आपकी रिंग गेज होती है उसका क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, बाहरी व्यास की जांच करना, जो बाहरी व्यास होती है उसको, बाहरी व्यास जो मोटाई होती है उसको मापने के लिए इस गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या होती है? जो व्यक्तिगत त्रिज्या गेज होता है उसका जो आकार, जो बनावट होती है उसका जो सीमा होती है वो क्या होता है? तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, स्टेप ऑफ 1 mm, यानी 1 mm। आगे बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? जो आकृति दिख रही है, फिगर दिख रहा है, या कौन सा गेज है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, रिंग गेज गो, मतलब रिंग गेज जो है रिंग की टाइप है, मतलब इसमें से जो आप इस पार से उस पार चला जाता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।